रेडी ब्रो? ओके रेडी। मैंने अभी अर्ली मॉर्निंग मैंने पैरासीटामोल और डायमोक्स लिया। उमलिंगला में ना रूट्स प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, ऐसे टायर का रास्ता देख देख के जाना पड़ता है। तो अभी कंफ्यूजन है कि एक टायर का रास्ता वो साइड जा रहा है और एक टायर का रास्ता ये साइड जा रहा है। वीएस एक्सएल 100 ने जवाब दे दिया है, तो भाई उधर गाड़ी पार्क करके अभी पिलियन में बैठ के जाएगा। नाउ वी आर रेस्ट हायर देन द एवरेस्ट बेस कैंप। सब राइडर्स आ रहे हैं अभी। फाइनली आई हैव रीच्ड द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। बाहर खड़े रहने का हिम्मत नहीं है। दिस इज द माउंट एवरेस्ट ऑफ ऑल द बाइकर्स इन द वर्ल्ड। उमलिंगला का एक्सपीरियंस कैसा था भाई आपका? एकदम जबरदस्त। इफ एनीबॉडी प्लानिंग टू गो उमलिंगला, वन थिंग इज फॉर श्योर, हाउ फिट यू आर डजंट मैटर, द नेचर विल टेस्ट यू। लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है। या वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। चलो थैंक यू गाइज। चलो बाय ब्रो। चलो सी यू ब्रो। आई लीव इन हाफ एन आवर नाउ। आई जस्ट पैक एवरीथिंग। हां गुड इन समवे। या 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 या। चलो ओके चलो बाय ब्रो सी यू। मेरा होम स्टे में। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ये आप इसको पालते हैं? आप पालते हैं? ये इधर ही रहता है। हेलो, आराम से बैठ गई है। गया त्रिजो ऑटो एक्सपर्ट वेंट ओनली वी आर लेफ्ट। हेलो कमर्शियल फ्लाइट्स विल फ्लाई लोअर देन 20 ओनली नो। फ्यूल अप कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में पेट्रोल पंप किधर है नहीं। 10 लीटर जो मैंने कैरी किया था ना उसमें 5 लीटर अभी बचा है, तो इसको फ्यूल अप कर लेता हूँ और फिर बाद में जहाँ पे भी फ्यूल पंप मिलेगा वहाँ पे फुल करवा लूँगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। पैकिंग हो चुका है कम्प्लीट। आज का सबसे बड़ा समस्या है कि फ्यूल तो मैंने डाल दिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इधर का जो वेल्डिंग का इशू हुआ था वो थर्ड टाइम हो गया था। सो टुडे आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स ले मनाली हाईवे। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाइक का बाकी का कंडीशन इज़ फाइन। चेन्नई गाइज हैज लेफ्ट, द गाइज फ्रॉम मणिपुर दे आर स्टिल हियर। 3 बाइक्स इधर है, चौथी बाइक मेरी। नाम क्या है तेरा? इसने चौथी बार नाम बताया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है? हैं चिंगमे डालचा। अच्छा मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या है। सिंग में डालचू। जिंग में डालचू। जिंग में डालचू। जिंग में डालचू। डालचो। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। थक गया। इधर ऑक्सीजन लगता है कम है बहुत है। आप लोग को हैबिट है ना? हमारा हैबिट नहीं है। आपका पूरा रिलेटिव सब इधर ही है? सब इधर ही है। सब 500 हाउसेस ही है ना पूरा हनले में? अच्छा तो सब फैमिली रिलेटिव सब यही गांव में? अच्छा चलिए फिर निकलते। थैंक यू सो मच। चलिए चलो बाय ब्रो। चलो थैंक यू सी यू ब्रो। चलो बाय। चलो बाय टाटा।
तो आज का मेरा सोलो जर्नी होता है कंटिन्यू। ये है हानले का नज़ारा, हानले विलेज। हाँ, इसका एलिवेशन है ना, आई था अराउंड 14,000 से ऊपर है। निकलते निकलते टाइम हो गया 10:10। अच्छा लोकेशन है, लेकिन ज़्यादा दिन रहने वाला लोकेशन नहीं है ये, 1 से 2 दिन ठीक है। हम इधर स्पेसिफिकली आए थे 2 रीज़न के लिए। पेंगोंग टू हानले का जो रास्ता है वो एक नंबर है, दूसरा रीज़न है कि हानले से ही आपको उमलिंगला जाना है। और उमलिंगला का वीडियो आपने देख लिया है, मेरा हालत कैसे हुआ था। आई वॉज़ लाइक, अभी तक का मेरा लाइफ में अभी तक का सबसे डेंजरस राइड दैट वॉज उमलिंगला, सबसे खतरनाक राइड। इट इज़ नॉट दैट ईजी, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, लेकिन ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो बनता है बॉस। और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप हाईएस्ट मोटरेबल रोड जा रहे हो तो तकलीफ के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इजी हो जाएगा तो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं खारडुंगला गया था, ठीक है, तो खारडुंगला में आई वॉज अमेज्ड विद द ब्यूटी, बट मेरे को ना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ खारडुंगला जाने में। तो जब भी खारडुंगला कम्प्लीट हो गया, जब मैं नीचे उतरा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि अरे यार, ये सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और कुछ टाइम पहले ये वर्ल्ड का नंबर 1 हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, ये इतना इजी कैसे हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था उस टाइम। बट उमलिंगला वॉज डिफरेंट, और मेरे को लगता है कि ये तकलीफ होना ज़रूरी था, तभी तो वो फील आएगा। हम कैसे पहुँचे ये फील तब भी आएगा। हानले का नज़ारा देखो, हानले में ऑक्सीजन कम क्यों है, पेड़ का नामो निशान नहीं है, लेकिन इधर खेती वेती होता है, इधर गेहूँ उगता है, मटर उगता है, तो इधर के लोकल सब फार्मिंग में डिपेंडेंट है। लेकिन पेड़ नहीं है बॉस, बहुत ही कम पेड़ है। इधर ना एयरटेल का नेटवर्क पकड़ता है, ना जियो का नेटवर्क पकड़ता है, BSNL पकड़ता है, मैंने BSNL लिया नहीं है। ये लोकेशन में ड्रोन उड़ाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ से चाइना का बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है इसके लिए। नहीं तो मैं अगर आपको एक गाँव का नज़ारा दिखाता ना, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये गाँव का, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही कम पॉपुलेटेड है। अभी मेरे को रूट जो पकड़ना है, मेरे को सबसे पहले जाना, आई हैव टू गो टूवर्ड्स न्योमा। न्योमा में जाके मुझे वेल्डिंग का काम करवाना है, और न्योमा में मुझे होपफुली ATM मिल जाए ताकि मैं कैश निकाल लूँ, क्योंकि जितना भी मैंने कैश कैरी किया था वो सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ना ATM है, ना मोबाइल नेटवर्क है, तो इनकेस अगर आप हानले आ रहे हो तो कैश अच्छा खासा रेडी करके आओ। फ्यूल का प्राइस के बारे में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लोकल शॉप में फ्यूल मिल जाएगा। अभी अगर आप फ्यूल पंप से लेते हो तो अराउंड 110-115 का फ्यूल मिलता है, यहाँ पे आप फ्यूल लोगे तो 160 रुपीज़ का मिलेगा, बट मिल जाएगा फ्यूल, फ्यूल का इतना इशू है नहीं। ये जो आप दूर देख रहे हो, बड़ा सा बिल्डिंग है, दूर पहाड़ के ऊपर बड़ा सा बिल्डिंग है, दैट इज़ हानले मोनेस्ट्री। तो इनकेस अगर आप हानले आ रहे हो और आप मोनेस्ट्री विजिट करने का आप शौक रखते हो तो यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। आपको हर एक लोकेशन से हानले मोनेस्ट्री बहुत ही क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। यस सर, लिखा था ना परसों। हाँ, एंट्री किया ना सर आते वक्त। अब आउट करना है ना। अच्छा, वो भी करना है क्या? ओके 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 ओके, सॉरी सर। कब आया था? परसों रात को। मैं था ना, आप ही थे शायद। हाँ, रात को आए थे, अराउंड 9 बजे के आसपास। तो लिखा था मैंने। हाँ, एंट्री किया है। यस सर, मैं देखूँ, चेक करूँ एक बार। दीजिए। इनके साथ नहीं था जो? हम लोग सब इधर चुशुल में मिला था, इधर घूमने आया। अभी सब अपना अपना रास्ता, मैं अकेले आया हूँ मुंबई से। अभी गया नहीं लोग? हाँ, अभी 4 बाइकर्स गए हैं ना, अभी और 3 आएगा पीछे से। और है? हाँ, 3 आएगा ना, मणिपुर वाला। अच्छा, मणिपुर वाला। हाँ, ये वाला है मेन, ये लोग आएगा अभी। अच्छा, ये तूने? MN। हाँ, आएगा। ठीक है, थैंक यू सर।
टूरिस्ट असिस्टेंस बूथ है यहाँ पे। एंट्री के टाइम यहाँ पे जब आप हानले एंटर करोगे तभी भी आपको इधर एंट्री करना है। एग्जिट के टाइम पे पता नहीं था, मैं सीधा निकल गया, तो एग्जिट के टाइम पे भी इन्फॉर्म करना है। मैंने बोला ना रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, इसके लिए यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का पंगा है। मैं तो, मेरे को लगता है अगर ड्रोन शॉट लिया होता था नहीं, पहाड़ और यहाँ के जो घर का जो डिज़ाइन है ना, जो आर्किटेक्चर है और जितना दूर दूर घर बसे हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक नंबर है। देखो इधर कितने भेड़ बकरी है इधर, आज का 55 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। और ये लोकेशन जो देख रहे हो ये लोमा है, लोमा से जो है कच्चा रास्ता चालू हो जाता है, लोमा तक रास्ता एकदम स्मूथ मिलेगा लेकिन लोमा से कच्चा रास्ता चालू हो जाता है। मेरे को घाई है जल्दी न्योमा पहुंचने का, क्योंकि न्योमा में पहुंच के ना मेरे को वेल्डिंग सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वेल्डिंग जब तक ये रहेगा ना मेरा फोकस है ना पीछे रहेगा, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा राइड करने के लिए मालूम है टूटी हुई वेल्डिंग के साथ। न्योमा इधर से कितना दूर है? न्योमा न्योमा आइडिया नहीं, न्योमा नहीं मालूम? अच्छा ठीक है, इधर तो दूर दूर तक मेरे को कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है जिससे मैं एड्रेस पूछ लूँ कि न्योमा कितना दूर यहाँ से पड़ेगा। मेरे अंदाज से तो 20 से 25 किलोमीटर है, बट कंफर्मेशन के लिए मेरे को कोई मिले, एक भी आदमी नहीं दिख रहा यार। सर न्योमा कितना दूर है यहाँ से? न्योमा न्योमा लोमा 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 तो पीछे छोड़ी आए आप। लोमा नहीं न्योमा, न्योमा न्योमा भी पीछे है। आप आए कहाँ से हो? मैं तो आ रहा हानले से। तो आप गलत आगे ना ब्रिज क्रॉस करना था आपने। टर्न किया आपने? अच्छा वो लेफ्ट में पानी के ऊपर से जो ब्रिज है छोटा सा, टर्न किया ना वो नहीं, सीधा जाना है आज हम भी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को जाना ले मनाली हाईवे के तरफ। ले मनाली जा रहा है? हाँ जी। अरे यार मैंने गलत रास्ता ले लिया, मैंने आगे ना एक देखा था पानी के ऊपर से छोटा सा ब्रिज जा रहा था, शिट, अच्छा खासा आगे आ चुका हूँ ये ऑफ रोडिंग झेलते हुए। सर भी जा रहे ले मनाली हाईवे के तरफ, चलते फिर सर के साथ फॉलो करते करते।